ଓଡ଼ିଶାରେ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5G କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, 5G ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି 5G ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ, ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସାର୍, ଇଏ ଯେଉଁ 5G ନେଟୱାର୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ଅଭି 5G କା ଲାଭ ସବକୋ ମିଲେଗା, लेकिन कुछ बातें मंत्री जी भी बोल रहे थे कि हेल्थ केयर में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, तो हेल्थ केयर में 5G के कौन से फ़ायदे मिलेंगे? देखिए, जो हेल्थ केयर एक्टिव हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटी बहुत इम्प्रूव कर लिया है, फिर भी जो पेरिफेरल एरिया जो यहाँ एसेसिबिलिटी नहीं है, पेरिफेरल एरिया में अभी भी मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो ट्राइबल एरिया में पेरिफेरल एरिया में नहीं है। तो हम यहाँ एक कंसेप्ट डाले हैं क्लिनिक इन ए बैग। आप ये देख सकते हैं, ये जो बैग है, ये बैग इसमें मेडिकल जो ये बैग रहेगा पेरिफेरी में, वो पेरिफेरी में बैग में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ कोई भी पैरामेडिक या आशा या आंगनबाड़ी जैसे वो वहाँ उनको डाटा एंट्री करेंगे, और जो भी डाटा एंट्री होगा वो इमिडिएट बेसिस में डॉक्टर के पास आ जाएगा। तो डॉक्टर जो डॉक्टर सिटी पे बैठे हैं और डॉक्टर तुरंत उनको सिटी में देखेगा, डॉक्टर डाटा देखेगा और ऑन रियल टाइम बेसिस डॉक्टर उनको एडवाइस कर सकते हैं जब कुछ भी मेडिसिन चाहिए या कुछ रिफरल चाहिए। तो थ्रू 5G ये ऑन रियल टाइम बेसिस में हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। 4G में जो इंटरनेट का थोड़ा स्लो रहता था, इसमें स्पीड से कम स्पीड। हाँ एग्जैक्टली, तो 5G ऑन रियल टाइम बेसिस में होगा, जैसे कि वहाँ डाटा मोर चाहिए, जैसे ECG हो गया या कुछ वीडियो कॉलिंग करके डॉक्टर चाहते देखने के लिए, तो ऑन रियल टाइम बेसिस में वो स्पीड अप होगा। तो ऑन ट्रीटमेंट बेसिस उनको ऑन इमीडिएट बेसिस जो एसेसिबिलिटी नहीं है डॉक्टर का वो ईजिली मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आप थोड़ा दिखा सकते हैं क्या कुछ? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, सपोज हम अभी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर भी हम चेक कर सकते हैं ऑन पेरिफेरल। ऑन पेरिफेरल अभी वो सब ये पेरिफेरी में ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, जो वो जो मशीन है वो ब्लड प्रेशर जो भी चेक होगा वो इमीडिएट वो टैबलेट को कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट है वो टैबलेट पे वो इमीडिएटली ऑन रियल टाइम बेसिस डॉक्टर जो सीटी पे बैठे हैं डॉक्टर के पास आ जाएगा, और सो डॉक्टर थ्रू लैपटॉप वो रिपोर्ट देख सकता है। अभी रिपोर्ट आ गया यहाँ, अभी उसको एक बार वो सेव करो, एक बार सेव करने के बाद डॉक्टर यहाँ जस्ट उनका फेस पेज को रिफ्रेश किए, तो जो रिपोर्ट वहाँ था ब्लड प्रेशर 129/95 ये रिपोर्ट 190/95 आ गया। तो ऑन रियल टाइम बेसिस जो पेरिफेरल जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर के पास ऑन रियल टाइम बेसिस आ गया। थ्रू 5G इट कैन बी हैपन। ब्लड प्रेशर के अलावा और कौन से टेस्ट हो सकते हैं? देखिए, ये जो क्लिनिक एंड बैग है उसमें ब्लड प्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर है, इसमें ECG तो 3-lead ECG भी है, इसमें आप ECG भी टेस्ट हो सकते हैं। हाँ, 3-lead ECG है। हाँ, तो और ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन कर सकते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज़ का उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। जो सिंपल टेस्ट है जो ऑन स्किन प्रिक कर सकते हैं वो टेस्ट वहाँ वो बैग में से ऑप्शन है, वो टेस्ट कर सकते हैं। देखा जाता है कि जो रूरल एरिया है या वो जो ट्राइबल एरिया जैसे हम बोल सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है, पैथोलैब्स वहाँ पे नहीं रहते हैं, अगर रहते भी हैं तो उतना उनके पास टेक्नोलॉजी हाईफाई नहीं होता है, तो उसको आप क्लिनिक इन बैग ये ऑप्शन जो है ये क्लिनिक इन बैग ये ऑप्शन डाल सकते हैं पेरिफेरल एरिया में, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डॉक्टर को सिटी में कर सकते हैं, तो थ्रू दैट दो और डाटा जो टेस्ट भी डाटा डायरेक्ट एंट्री डॉक्टर देख सकता है, और डॉक्टर उसको इमिडिएटली प्रेस्क्राइब कर सकता है या रेफरल कर सकता है, वो एडवाइस दे सकते हैं। तो आम आलोचना करते आपण जहाँ डाक्तर जहाँ बुझाऊ जे 5G सेवा द्वारा जो उपांत अंचल गुड़िक रही लोक मानकर विभिन्न प्रकार मेडिकल टेस्ट सेठी हो पार और तार तथ्य सहर से डाक्तर पाखे पहुँची पार और डाक्तर से ही तथ्य को देख रिपोर्ट को देख प्रेस्क्राइब करें औषध लिखिपर ताद्वारा सहर से जो सेवा मिलूंत अंचल ग्रामांचल लोक मिल पार। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन संजीव प्रदीप्त महापात्र अर्गस न्यूज।